विकास पुरुष की छवि के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरुआती दो कार्यकाल बिताए हैं। इन 10 सालों में सड़कों का जाल बिछा, कानूनी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हुई, थानों में नेताओं की धमक हुई और नौकरशाहों को छूट दी गई। पर तीसरी पारी में नीतीश कुमार विकास पुरुष या सुशासन बाबू के बदले दार्शनिक और समाज सुधारक ज्यादा नजर आने लगे हैं। ऐसा साल भर राजद के साथ सरकार चलाने के अनुभव के बाद महसूस होने लगा है। इस दौरान राज्य में हत्या और हिंसा लगातार बढ़ी है। ऐसे में बतौर नेता नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति बदल ली है। अचानक मुद्दों से हटकर वे भावनात्मक मामलों पर जोर देने लगे हैं। इसकी शुरुआत शराबबंदी से हुई। इसकी आड़ में उन्होंने आधी आबादी को सॉलिड वोट बैंक के तौर पर साधने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि शराबबंदी ने लाइन होटल, मोटल और दुकानों पर काम करने वाले हजारों को रातों रात बेरोजगार कर दिया और इनमें से अधिकतर छोटे मोटे अपराधी हो गए। विपक्ष का आरोप है कि असल मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए नीतीश ये सब कर रहे हैं। चुनाव में लालू के साथ जाने के बावजूद उन्हें वोट मिले क्योंकि वोटर को लगा कि स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथों में होगी, लेकिन अब ये नीतीश कुमार के हाथों में दी गई स्टीयरिंग फिसल रही है तो मुद्दे भी बदल रहे हैं। वही कुछ लोग नीतीश को मोदी से प्रभावित कहने लगे हैं। गाय, गंगा, पाकिस्तान, काला धन, इन सब मुद्दों पर वैचारिक एकता उत्सुकता पैदा कर रही है कि बिहार की भावी राजनीति किस ओर जाने वाली है। नीतीश की राह मोदी से अलग रहेगी या साथ, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश सुशासन बाबू और विकास पुरुष की तुलना में समाज सुधारक की भूमिका में ज्यादा दिखाई देने लगे हैं।